हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अधिगम अक्षमता के प्रकार या मनोवैज्ञानिक रोग जो बच्चों में पढ़ने लिखने से संबंधित हैं। देखिए, इनको शुरू करते हैं। पहला है पढ़ने की अक्षमता या पठन विकार बोलते हैं, इंग्लिश में इसे रीडिंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। ये हो जाता है डिसलेक्सिया के कारण। जिसे डिसलेक्सिया बीमारी होगी उसको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होगी, उसको रीडिंग डिसेबिलिटी होगी। अगला है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता या भाषा बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या होती है, उसको बोलते हैं अफेजिया या डिसफेजिया। अगला है लिखने की अक्षमता या जो बालक निरंतर शब्दों को त्रुटिपूर्वक लिखता है, बच्चा बार बार लिखने में गलती करता है, तो उसको कौन सा रोग हो जाता है? डिसग्राफिया, उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। अगला है गणित संबंधी समस्या है, जिसे गणना करने में समस्या आती है या गणन विकार है, उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। गणित से संबंधी प्रॉब्लम है जिसको गणना करने में प्रॉब्लम आती है, उसको क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। तो दोस्तों, ये थे आपके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक रोग। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। थैंक यू।